मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत कलश यात्रा निकाली। मोही में हरिवंश कीर समाज नैनपुरिया के ग्रामवासियों की ओर से नवनिर्माण कालिका माता मंदिर पर 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत कलश यात्रा निकाली गई। मंदिर परिसर में पंडित महेश उपाध्याय व लादूलाल की टीम ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ समाज के जोड़ों ने यज्ञ में बैठकर आहुतियाँ दी। अनुष्ठान के साथ समाज की 201 महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर गाँव के प्रमुख मोहल्लों से बैंड बाजों की धुन पर भगवान के भक्ति भजनों पर महिलाएं नाचती गाती चल रही थी, वहीं भगवान के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। कार्यक्रम में समाज के लोगों का भारी जमावड़ा लग गया। इस दौरान समाज के वरिष्ठ नागरिक मांगीलाल, मोहनलाल, किशनलाल, नाथूलाल, गणेशलाल, चुन्नीलाल, शांतिलाल, लहरीलाल, पीपली के पूर्व सरपंच मनोहरलाल कीर, बद्रीलाल, मनोहरलाल, शंकरलाल, समाज के सचिव जगदीश चंद्र कीर सहित वरिष्ठ जन मौजूद थे। शोभा यात्रा में युवक युवतियाँ भगवान के भक्ति भजनों पर नाचते गाते चल रहे थे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथ द्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथ द्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। राज्यवास में 3 दिवसीय प्रवचन भजन कीर्तन कार्यक्रम का समापन। राज्यवास कस्बे के नरसिंह द्वारा में चल रहे 3 दिवसीय आध्यात्मिक प्रवचन व भजन कीर्तन कार्यक्रम का समापन हुआ। आशुतोष महाराज की शिष्या साध्वी परपूर्णा भारती, चिमना भारती, सीमा भारती ने कहा कि गुरु का महत्व बताते हुए कहा कि गुरु के बिना भगवान के पास नहीं पहुँचा जा सकता है, बिना गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। राम, कृष्ण व जो भी दुनिया में महापुरुष हुए उनके भी गुरु थे। संसार में सभी सुख मिल सकते हैं लेकिन महापुरुषों का सानिध्य मिलना मुश्किल है। प्रवचन के दौरान बीच बीच में धार्मिक भक्ति भजनों की प्रस्तुतियों पर पांडाल में बैठे महिला पुरुष झूमने पर मजबूर हो गए। अंत में ओम जय जगदीश हरे की आरती कर सभी लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर गाँव के सभी समुदाय के महिला पुरुष सहित आसपास के बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। विद्यार्थियों ने औद्योगिक भ्रमण कर उद्योग जगत से जुड़ी जानकारी ली। नाथद्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के छात्रों के लिए औद्योगिक भ्रमण का आयोजन किया गया। निदेशक दीपेश पारिक ने बताया कि 1 दिवसीय औद्योगिक भ्रमण के तहत छात्रों ने दरीबा स्थित वेदांत ग्रुप हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के दरीबा स्मेल्टर कॉम्प्लेक्स प्लांट को देखा। औद्योगिक भ्रमण का उद्देश्य छात्रों को उद्योग जगत से संबंधित जानकारी देने के अलावा प्लांट में जिंक, लेड और सिल्वर से जुड़ी जानकारी से रूबरू कराना है। प्लांट की तकनीकी दक्षता और प्रोसेस से लगाकर अन्य टेक्नोलॉजी के बारे में जाना। प्लांट एचआर विभाग के जितेंद्र राजपुरोहित के सानिध्य में पूरे प्लांट का विजिट कर हर पहलू पर बारीकी से पूरी प्रोसेस को समझा। वहीं उन्होंने छात्रों को जिंक स्मेल्टर प्लांट से जुड़ी तकनीकी दक्षता, विपणन, प्रशासनिक कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही औद्योगिक इकाइयों में स्वास्थ्य और सुरक्षा के नियमों एवं सावधानियों के बारे में विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दी गई। सदगुरु जग्गी महाराज पहुंचे राजसमंद, पुलिस लाइन परिसर में हुआ स्वागत। देश में मिट्टी बचाओ अभियान के तहत करीब 3000 किलोमीटर की बाइक यात्रा पर निकले देश के प्रसिद्ध संत सदगुरु जग्गी महाराज राजसमंद पुलिस लाइन परिसर में पहुंचे। यहां पर राजसमंद जिला कलेक्टर नीलाब सक्सेना और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने उनकी अगवानी की। सदगुरु जग्गी महाराज पुलिस लाइन परिसर में पहुँचे जहाँ पर पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर सभा में सदगुरु ने मिट्टी बचाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए अपने जीवन में कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। इस दौरान सभी से अधिकाधिक पौधरोपण करने की अपील की। आपको बता दें कि मिट्टी बचाओ अभियान के तहत सदगुरु देश में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले हैं। सदगुरु जग्गी महाराज के राजसमंद पहुंचने पर पुलिस लाइन में उनका भव्य स्वागत किया गया।
आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न। आम आदमी पार्टी उदयपुर संभाग कोऑर्डिनेटर अमित वर्मा एवं जिला कोऑर्डिनेटर दिनेश चंद्र सनाड्य, रेलमंगरा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर प्रवीण बोरीवाल ने विधानसभा राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। उदयपुर संभाग के कोऑर्डिनेटर अमित वर्मा ने कहा कि 2023 में आम आदमी पार्टी राजस्थान में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी राजसमंद विधानसभा के पनौतिया कार्यकर्ता सम्मेलन में आपके पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश चंद्र सनाड्य ने बताया कि संगठन विस्तार के लिए हर विधानसभा में 4 कार्यकर्ता सम्मेलन प्रस्तावित हैं। ये कार्यकर्ता सम्मेलन 15 मई से शुरू हुए थे, जिनमें अभी तक लाखों नए कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के की सदस्यता ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मौजूद रहे स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी के क्षेत्र में आपकी सरकार ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, जिसके दम पर राजस्थान में भी सरकार बनाएंगे। इस दौरान बैठक में बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता राजसमंद और रेलमंगरा ब्लॉक के मौजूद थे।